शादी हर किसी की लाइफ का ऐसा पल होता है जिसके लिए सभी के बहुत सारे सपने होते हैं। सभी की शादी को लेकर अलग अलग प्लानिंग होती है। सभी अपनी शादी में कुछ खास करना चाहते हैं। ऐसी ही एक अनोखी शादी हुई है इंदौर में। इस शादी में जो खास चीज़ है वो जानकर शायद आप भी अपनी शादी में ये कंसेप्ट अपनाने की सोच सकते हैं। हर शादी में विधि विधान के साथ श्लोक और पूजन से विवाह संपन्न कराया जाता है, लेकिन इंदौर की इस अनूठी शादी में विवाह की सबसे खास रस्म यानी कि सात जन्मों के सात फेरे म्यूजिकल तरीके से कराए गए हैं। जी हाँ, इंदौर में हुई इस अनोखी शादी में दूल्हा दुल्हन की वरमाला से लेकर फेरों तक म्यूजिकल मंत्र चल रहे थे, जो सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। ये म्यूजिकल फेरे म्यूजिकल पंडित के नाम से फेमस कोलकाता के रहने वाले राघव प्रसाद गौतम ने करवाए हैं। बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से आचार्य की डिग्री लेने के बाद राघव ने पंडिताई की शुरुआत की, लेकिन अपने म्यूजिकल फेरे की खासियत के चलते अब वो अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। पंडित राघव प्रसाद गौतम की माने तो उनका कहना है कि शादी की सभी रस्में बड़े ही आराम से की जाती हैं। वरमाला में टाइम लिया जाता है, बारात में टाइम लिया जाता है, लेकिन जब फेरों का वक्त होता है तो सभी ये कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा जल्दी कर दीजिए, समय हो रहा है। विवाह की रस्में सबसे ज़रूरी होती हैं और इसी सबसे ज़रूरी रस्म में लोगों को बहुत जल्दी होती है। आजकल के युवाओं को फेरे जैसी विधि में इंटरेस्ट नहीं होता। पूरी शादी में फेरों का ही वक्त ऐसा होता है जब सबसे कम लोग मौजूद होते हैं, तो लोगों का फेरों में इंटरेस्ट रहे और वो इस रस्म का हिस्सा बने, इसके लिए राघव ने म्यूजिकल फेरों की शुरुआत की है। इसके लिए उनके साथ बाकायदा एक पूरी टीम होती है, म्यूजिशियन होते हैं और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कीबोर्ड, तबला, ढोलक, ऑक्टोपैड और बैंजो की धुन पर ये म्यूजिकल फेरे करवाए जाते हैं। इन म्यूजिकल फेरों की शुरुआत 12 साल पहले ही हो चुकी है। राघव और उनकी टीम अभी तक इस तरह के 500 से ज़्यादा शादी करवा चुके हैं। देश के साथ साथ उनकी टीम विदेशों में भी म्यूजिकल फेरे करवा चुकी है। राघव प्रसाद गौतम दुबई, काठमांडू और बैंकॉक जैसी जगह पर भी अपने खास म्यूजिकल फेरे करवा चुके हैं। इंदौर में हुई इस अनोखी म्यूजिकल फेरों वाली शादी में भी मेहमानों का खासा इंटरेस्ट देखा गया। सभी के लिए ये पहला मौका था जब वो फेरों की रस्म को इस खास अंदाज में होता देख रहे थे। राघव जी ने इन म्यूजिकल फेरों से लोगों को एक बार फिर अपनी पारंपरिक रस्मों से जुड़ने का अवसर दिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.